थैंक यू शैला। मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, सिर्फ स्टेशन के बारे में ही नहीं, कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है, किस तरह से सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा जैसे लोगों की आवाज दबाई जा रही है। और इसलिए दबाई जा रही है क्योंकि जो भारत में अन्याय हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और गरीबों के ऊपर, उनके उनके तरफ से वो क्योंकि आवाज उठाते हैं, तो इसलिए उनकी आवाज बंद करने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और यहाँ दिल्ली में भी जो दिल्ली रायट्स के जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जिस तरह से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि जो लोग मुसलमानों के हक के लिए बिल्कुल असंवैधानिक सीए कानून के लिए खड़े हुए, उन लोगों को आज परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अब रिबेका ने बहुत बढ़िया तरह से विस्तार से समझा दिया कि यूएपीए में क्यों ऐसा ये कर पा रहे हैं, यूएपीए का कानून किस तरह से गैर संवैधानिक है, और इस वजह से वो इन्वेस्ट, पहली बात तो अनलॉफुल एक्टिविटी बहुत वेगली डिफाइंड है, किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो सरकार के खिलाफ बोलता है, चार्ज कर सकते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन लंबा लंबा चला सकते हैं और बेल डिनाई कर सकते हैं, तो मतलब प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ यूएपीए में नहीं हो रहा, ये हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर तरह से किया जा रहा है, चाहे सेडिशन का कानून ले ले, जो जना सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, पहली बात तो खैर उसको लिंच मॉब्स कई बार मारपीट देते हैं, पुलिस देखती रहती है, फिर सोशल मीडिया पर उसको खूब गाली दी जाती है, धमकियां दी जाती हैं, और उस पूरा जो मशीनरी है गाली और धमकी देने की, उस मशीनरी का संयोजन रूलिंग पार्टी की आईटी सेल और उसका उसके संयोजक एक तरह से प्रधानमंत्री खुद हैं, जो कि स्वाति चतुर्वेदी ने अपनी किताब आई एम अ ट्रोल में बताया। निखिल ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आज समाज में और मीडिया में जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को चाहे एंटी नेशनल कह दीजिए आप, चाहे अर्बन नक्सल कह दीजिए, एक तरह से उनको डिमोनाइज करने का पूरा तंत्र बना लिया गया है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि सरकार के चंगुल में आ गई है। और साथ में हम देख रहे हैं कि पुलिस और जो एनआईए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी और सीबीआई, ये सब सरकार के चंगुल में आ गई हैं और उन्हीं के इशारों पर काम कर रही हैं। इन लोगों को परेशान करना है, इन लोगों का मुंह बंद करना है, तो ये एजेंसी सब लग जाती हैं वही काम करने में। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि कोर्ट्स का भी रवैया हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स भी, जिनका काम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, जैसे रिबेका ने समझाया, यूएपीए का कानून तो हमारे बेसिक संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, उसके खिलाफ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके भी कर दिया और आज जो उसका अब्यूज या मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी आज कोर्ट्स जो हैं रोक नहीं रहे हैं। इक्का दुक्का कभी हम देखते हैं कि कभी कोई कोर्ट कुछ कर देता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, रूल तो हम यही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, और जो सरकार करना चाहती है, जो ये इन्वेस्टिगेशंस करना चाहती हैं, इनको होने दिया जा रहा है। और जो कोर्ट के खिलाफ, जो कोर्ट में हो रहा है उसके खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, तो कभी कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून का इस्तेमाल किया जाता है।
सेडिशन का तो इतना मिसयूज दुरुपयोग किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 62 में केदारनाथ वाले केस में बोला था कि सेडिशन आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन देयर इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस और इंसाइटमेंट टू पब्लिक डिसऑर्डर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसका खूब मिसयूज हो रहा है। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए ये कहने कि भाई देखिए इसका मिसयूज हो रहा है, आप कम से कम ये डायरेक्शन और इशू करिए कि सेडिशन का हर केस डीजीपी स्टेट का जो सबसे बड़े ओहदे पर पुलिस ऑफिसर है उसको ओके करना होगा और उसको ये बात लिखनी पड़ेगी कि इसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस या इंसाइटमेंट टू पब्लिक डिसऑर्डर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं हम कह चुके हैं, जो कह चुके हैं वो काफी है, वही फॉलो करना चाहिए पुलिस को। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस रोज उस कानून का दुरुपयोग कर रही है, हजारों लोगों को सेडिशन के लिए चार्ज किया गया है जबकि कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस या इंसाइटमेंट टू पब्लिक डिसऑर्डर नहीं था। तो एक पूरा ऐसा एक फासिस्ट माहौल इस देश में बनाया गया है कि पहली बात तो दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर, अल्पसंख्यकों के ऊपर सरकार की तरफ से हमला, जो लोग उनके बचाव के लिए खड़े होते हैं, जो उनके हक के लिए खड़े होते हैं, उनको फिर इस तरह के, चाहे सेडिशन का कानून हो, चाहे वो ये यूएपीए का कानून हो, चाहे कोई दूसरा ही कानून हो, उसमें उनको बंद कर लेना, उनको अटका कर रखना, प्रोसेस को पनिशमेंट बना देना। और अगर कोई जना सिस्टम के खिलाफ बोलता है कि न्यायपालिका इसमें कुछ नहीं कर रही तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ले आना। तो एक पूरा ऐसा जाल बना रखा है। लेकिन देखिए जब जब, और ये सब पूरा जर्मनी से हिटलर ने जो जिस तरह का रवैया अपनाया, जिस तरह से वहां के जूस के ऊपर हमला किया, जो लोग उनके हक में बोलते थे, ह्यूमन राइट्स के हक में बोलते थे, उनके ऊपर हमला किया, पूरा तंत्र अपने कब्जे में कर लिया, सारा कुछ प्रोपोगेंडा से मैनेज किया, उसी तरह से यहाँ पर भी सरकार कर रही है। लेकिन ये पूरा पूरे इतिहास में देखा गया है कि ये सब अत्याचार, अन्याय और अंधेरा कुछ दिन तक तो टिक सकता है, लेकिन अगर लोग उसके खिलाफ खड़े रहें और खड़े हो जाएं, तब फिर ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। और मुझे लगता है कि अब हमने ये एंटी सीएए प्रोटेस्ट में भी देखा कि पूरा देश करीब करीब अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई में खड़ा हो गया था। सारा हमारा एक्टिविस्ट समाज, महिलाएं, बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। अब उनको फिर से दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग उससे डरे नहीं हैं, दबे नहीं हैं, खुल के बोल रहे हैं। डराने की कोशिश जरूर करी जा रही है, लेकिन ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोगों को सबको डटे रहना है, खड़े रहना है, क्योंकि आखिर में कितने कितने लोगों को जेल में डाल देंगे। जैसे कि जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था तो फिर गांधी जी ने ये सिखाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और देखना है कितनी जेल में जगह है कि अगर बहुत सारे लोग खड़े हो गए इसके खिलाफ तो कैसे इतने लोगों को ये जेल में डाल पाएंगे। एक ना एक दिन और जल्द ही ये सब अत्याचार और उसका ये तंत्र खत्म होगा और होपफुली हिंदुस्तान में फिर से लोकतंत्र कायम किया जाएगा, असली लोकतंत्र कायम किया जाएगा और लोगों के हक एस्टैब्लिश होंगे, संविधान का राज, कानून का राज फिर से एस्टैब्लिश होगा। थैंक यू।